दोस्तों ब्राउन अनियन बड़े काम की चीज़ है। ये सिर्फ मुगलई डिशेस और बिरयानी में ही नहीं पड़ती है, बल्कि आप इससे बहुत सारी ग्रेवीज बना सकते हैं। मुगलई डिशेस में कोरमा वगैरह तो इससे तैयार होता ही है, और भी बहुत सारी ग्रेवीज में इसका पेस्ट बनाकर दही के साथ या पानी के साथ, सिंपल पानी के साथ इसको बनाया जाता है। पनीर पसंदा में भी हम इसको ब्राउन अनियन को ही पीस कर पेस्ट बनाकर यूज़ करते हैं, तो इसका एक अलग ही फ्लेवर आता है ग्रेवी में। और इन सब के अलावा काम भी बहुत आसान हो जाता है। अगर आप इसे बना के रख लें तो फ्रिज में तो ये आराम से 3-4 महीने आराम से चल जाता है। तो जब भी आपको डेली की भी सब्जी बनानी हो तो आप इसका पेस्ट बना के डाल दीजिए, तो सब्जी का स्वाद भी बढ़ेगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा, क्योंकि तले हुए प्याज हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पकी हुई है तो झटपट मसाला डालिए, सब्जियाँ डालिए और आपकी सब्जी तैयार हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माँ की रसोई से। मैं दोस्तों आज हम कोई रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करने जा रहे हैं, तो आज हम क्या बनाएंगे? आज हम ब्राउन अनियन बनाएंगे। ब्राउन अनियन जिसे तली हुई प्याज कहते हैं या कैरमलाइज्ड अनियन कहते हैं, और इसका यूज़ जो है बहुत सारी रेसिपीज़ में किया जाता है, चाहे वो बिरयानी हो, कोरमा हो या और भी बहुत सारी ग्रेवीज में यूज़ किया जाता है, दही के साथ पेस्ट बनाकर या फिर पानी के साथ पेस्ट बनाकर। चलिए बनाना शुरू करते हैं ब्राउन अनियन। तो ब्राउन अनियन बनाने के लिए हम ले रहे हैं प्याज, अनियन बना रहे हैं तो अनियन से ही बनेगा। इसके दोनों एंड्स काट लेते हैं, बीच से हाफ कर लिया, और इसका ये जो रूट वाला पोर्शन है ना उसे निकालना ज़रूरी है। ये इसे निकाल देंगे क्योंकि हमें इसे बारीक बारीक काटना है, और फिर जो सारी लेयर्स हैं उसे खोलना है, अलग अलग होनी चाहिए। तो अगर ये जॉइंट रहता है इसके साथ, अगर ये हम निकाल देते हैं तो फिर सारी लेयर्स अलग हो जाती हैं। तो बस इसे छील के हम धो के इसे बारीक काट लेंगे, जितना फाइन हो सके उतना फाइन इसे काटना है। तो अब हम इसे बारीक बिल्कुल काट लेते हैं। आप देख रहे हैं हम सारी प्याज को काट के रखे हैं, बस एक ये रखे थे आपको दिखाने के लिए, आपके सामने काटने के लिए। ये काट लिया, और अब इसे ऐसे मसल मसल के इसकी जो सारी लेयर्स है ना उसे हमें खोल लेना है, अलग कर लेना है। ये देखिए ये सारी परतें जो हैं वो अलग हो चुकी हैं, एक एक अलग अलग लच्छा हो चुका है। तो प्याज को तलने के लिए हम यहाँ पे तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं, और बिल्कुल बहुत ही गर्म होना चाहिए तेल। एक मुट्ठी भर के हम डालते हैं, जितना इस तेल के हिसाब से तेल में आराम से तली जा सके। तो जैसे ही हम ये प्याज डालेंगे तेल का टेम्परेचर कम हो जाता है। हमें प्याज को क्रिस्प बनाना है, सौगी या मुलायम ना हो जाए, इसके लिए हम आंच धीमी नहीं करेंगे। 1 मिनट तक तेज ही आंच पर तलना है, ताकि जो प्याज का मॉइस्चर है वो तुरंत से एब्जॉर्ब हो, मतलब इवेपोरेट हो सके। अगर हम आंच धीमी कर देंगे तो बिल्कुल प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। बस कुछ छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारी प्याज जो है ब्राउन अनियन बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। बनाना तो कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या होता है कि क्रिस्प नहीं रहती है, सॉफ्ट हो जाती है प्याज। 1 मिनट हो गया है तो हम थोड़ा सा आँच जो है वो कम कर देते हैं, और इसको लगातार चलाना है आपको, हाथ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो प्याज है वो साइड से ब्राउन होने लगती है और बीच में वाइट रह जाती है, तो इसलिए इसको ऐसे रोटेट करते रहें ताकि इक्वल हीट डिस्ट्रीब्यूट हो। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जैसे ही प्याज ब्राउन हो तुरंत हम निकाल लें, क्योंकि प्याज जो है वो बाद में भी कुक होती रहती है। अगर आप जैसा कलर चाहते हैं और वैसा होने का इंतज़ार करेंगे इस तेल में ही कि वैसा कलर आ जाए, तो वो बाद में काली हो जाएगी फिर प्याज। तो हल्के से जब ब्राउन होनी शुरू हुई हो तभी निकाल लें। और ये देखिए निकालने के लिए टिश्यू पेपर प्लेट पे हम बिछा के रखे हैं पूरा अच्छे तरीके से, ताकि हम तुरंत इसमें निकाल सकें, ताकि जितना भी तेल है वो एब्जॉर्ब कर लीजिए। छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है। बस प्याज हमारी ब्राउन होने शुरू हो गई है, अब हम इसे निकाल लेते हैं, तुरंत ही इसे निकाल लेंगे। और ये अगर एक जगह ऐसे पड़े रहेगी ना तो भी सॉफ्ट हो जाएगी, तो तुरंत ही आप इसे ऐसे इस किसी भी फोक की मदद से इसको फैला लीजिए, एकदम पतला फैला लीजिए।
प्याज का तेल सूखना भी ज़रूरी है क्रिस्प होने के लिए। तो बस अब हम दूसरा बैच तैयार करते हैं। तो ये सेकंड बैच भी हमारा रेडी हो गया है, हल्का सा ब्राउन कलर आया और बस हम इसे निकाल लेंगे। एक मिनट तेज आंच पर और दो या तीन मिनट धीमी आंच पर। जैसे अभी हम निकाल रहे हैं तो आंच धीमी है, तो तुरंत ही आंच तेज कर देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट बैच डालेंगे। और जैसे निकाला तो फोक रेडी, तुरंत ही इसे हम फैला लेंगे। इसे भी फैला लेते हैं क्योंकि फिर अच्छे तरीके से फैलेगी नहीं अगर प्याज, तो फिर वो सॉगी हो जाएगी, फिर वो बात नहीं रहेगी, कुरकुरापन नहीं आएगा। तो सेम प्रोसेस दोहराते हुए, रिपीट करते हुए आप सारी कितनी भी मर्जी उतना प्याज को आप ब्राउन अनियन बना सकते हैं। और ये बहुत ही यूज़फुल है किचन के लिए। वैसे तो क्रिस्प बना है लेकिन ये देखिए, ये जो थोड़ा सा मोटा रह गया है, कुछ प्याज के टुकड़े जो थोड़े से मोटे थे वो थोड़े से वाइट हैं और थोड़े से सॉफ्ट हैं, जो बिल्कुल बारीक है वो क्रिस्प है। ये देखिए टूट रहा है, ये देखिए। दोस्तों ब्राउन अनियन बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ तेल और प्याज के साथ, कुछ भी इसमें एडिशनल चीज़ यूज़ नहीं की गई है। तो जब भी आपके पास प्याज हो, एक्स्ट्रा हो, या आप बना के रखना चाहते हो, अपना काम आसान करना चाहते हो, इस मेथड को ट्राई करके आप ब्राउन अनियन बना के देखिएगा। अच्छे बन के तैयार होते हैं, क्रिस्प बन के तैयार होते हैं और क्रिस्प बने रहते हैं। दोस्तों वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, कुछ भी पसंद आया हो, अगर आपको ट्राई करने के बाद हमारा ये मेथड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।